जाने दे, मार दे अगर वो गाली देता ना फिर। Sir, you want यहाँ पूछो इनको ये भी say something. Ashwam is a very nice person. अभी जंगल से हो क्या है ना, हम तो शर्मा जी का पठानकोट अभी गिस्सा होगा जंगल में कहीं। और अभी ये कुछ इंग्लिश का चला हुआ डिस्कशन बहुत भयंकर तरीके से, बहुत ही हैवी, जिसको बोलते हैं हैवी, जिसमें मतलब एक तो यह मेनू कुड़िया नहीं रहा। शुभम सिर्फ मेरा है, शुभम मेरे हो ना, तो मेरे हो ना शुभम। चलो दोबारा टॉपिक पे आते हैं, मैं थोड़ा और नजदीक चले जाता हूँ वहाँ पे। शर्मा जी जरा तशरीफ, ये देखिए अपनी हमारे कुल्लू से पहुँचे हुए, और ये हमारे शर्मा जी हैं, बहुत ही प्यारे हैं और ये हरप्रीत सर हैं, और ये शख्सियत जो है इनसे तो आप वाकिफ होंगे। और बहुत ही एकदम इवेपोरेट हो चुके हैं वो, दिख नहीं रहे हमें, बिल्कुल गायब एकदम इवेपोरेट। तो चलिए अभी हम इनकी अंग्रेजी पे जो बहुत भयंकर तरीके से जो चर्चा हो रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। और वैसे बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हम हैं सर कहाँ हैं, हम इस समय मैं बाली चौकी डिस्ट्रिक्ट मंडी सैंज वैली में। क्या कर रहे हो अब यहाँ पे? हम यहाँ पर चाय के लुत्फ उठाने आए हैं सुंदर गुड इवनिंग के टाइम में। वो देखिए ऊपर पहाड़ियाँ हमारे सामने, कैसे तरह तरह की वैली है। ये पीछे वाली जो हमारी वैली है इसको अभी हम नाप के आए हैं पूरा, तो हम थक चुके हैं पूरा नाप, सर ने पूरा नाप लिया, सुनो सर ने पूरा नापा इनको 30 सेंटीमीटर के फुट्टे से। नहीं नहीं, हमारे मिस्टर गणेश जी हैं जो वो सेंटीमीटर में नाप रहे थे। अच्छा, तो सर कुछ और भी बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बढ़िया से इस वैली के बारे में? बहुत बढ़िया वैली है, हरप्रीत जी हमारे हैं बताने के लिए, अभी देखिए बताएंगे। नहीं नहीं, आपको ज्यादा पता है सर, आप पहले घूम चुके हैं इस वैली में। बढ़िया वैली है ये, एकदम सुंदर दृश्य है यहाँ का। अच्छा, आजकल खुमानी और पलम के बहुत सारे बगीचे लगे जो आज हमने देखे और हमने लुत्फ उठाया। अरे कैमरा यहाँ देखिए सर, यहाँ इस इसमें कैमरा के सामने लाइव है आप अभी? नहीं नहीं, मैं रिकॉर्ड तो अभी हम है। और ये इस वैली वैली तो क्या, यहाँ पे आने के लिए आपको भाई पठानकोट होके आना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा जो है पठानकोट भी दर्द करने लग गया इधर। तो अभी आपको जो शर्मा जी दिखा रहे थे वो देखो, वो पहाड़ियाँ पीछे, ये पूरी पहाड़ियाँ हैं, और बच्चे वहाँ सड़क में साइकिल चला रहे हैं कुछ है। और साइकिल और सर आप कुछ बच्चों के बारे में बोलना चाहेंगे? बच्चे आए हैं यहाँ पे इंग्लिश के लिए, वो स्पीकिंग कोर्स थोड़ा बताइए, सीखना कोर्स हो रहा है इंग्लिश सीखना, यहाँ सीखे हाँ इंग्लिश सीखने का कोर्स हो रहा है इधर। कंपटीशन बताएं,
वाइल शर्मा जी वाज पासिंग थ्रू द डांस फॉरेस्ट डांस फॉरेस्ट ओके गलती ना निकालिए बिना मतलब की एट द टाइम ऑफ एट द टाइम वाइल वी वर पासिंग थ्रू द स्टीप स्लोप शर्मा जी वाज ट्राइंग टू कंसोलिडेट द सरफेस बाय और बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन के साथ फीलिंग्स बताई जा रही हैं इधर बात दिल से निकल रही है। और लगता है अभी जंगल से होके आए ना हम तो शर्मा जी का पठानकोट अभी घिसा होगा जंगल में कहीं तो अभी रेस्ट मोड में है शर्मा जी अभी कुछ नहीं बोलेंगे शाम को ये अपने यूट्यूब चैनल पे भी आएंगे और शर्मा जी का भी यूट्यूब चैनल है और इनके यूट्यूब चैनल पे भी स्पीकिंग है कुछ हमारे चैनल पे और अभी तो चलो हमें 2-3 महीने हो गए घूमते हुए पर अभी आज थोड़ा चलो मैंने सोचा कि कर लेते हैं आपके साथ बातचीत तो अभी बैठ रहे हैं हम और यहाँ पे रेस्ट हाउस में रुकेंगे अभी रात को तो देखते हैं अभी तो हमें फिलहाल लॉक लगे हुए यहाँ पे बंद है दरवाजे देखते हैं कब तक आएगा बंदा तो फिर चलेंगे और थोड़ा दिखाएंगे आपको कहीं बारी चौकी साइड चलेंगे घूमने तो दिखाएंगे वहाँ का भी कुछ व्यू आपको और सीनरियाँ तो यहाँ पे बहुत कुछ है बहुत कुछ पहाड़ियाँ कहा कर वो अंदर नहीं जाना था मेन रोड पे लाल जी की तरफ जो एंड पॉइंट नहीं है वो क्या दिख रहा हूँ अंदर मतलब लाल जी जाने का जो पुल है ना वहाँ पे खड़े हैं जो एंड पॉइंट है मार्केट का जहाँ से उधर गंजा गंजा वहाँ पे आ रहे हो गाइस हियर वी आर हम हैं अभी तीर्थन वैली का एक कोई होटल पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे रुके हुए हम और ये देखिए लदीज वॉशरूम और ये देखिए सर कुछ वीडियो बना रहे हैं अपने लिए शूट कर रहे हैं थोड़ा और ये कुछ व्यू है यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू और ये देखिए ये है तीर्थन सनशाइन कैफे यहाँ पे हम स्नैक्स के लिए रुके हुए हैं और एक्सकैवेशन टीम कुछ एक्सप्लोर करती हुई और यहाँ इसके ऊपर वाली तरफ रोड तो अभी हमने स्नैक्स ऑर्डर कर लिए हैं थोड़ी देर में आ जाएंगे तो फिर हम खा के निकलेंगे दोबारा रेस्ट हाउस के लिए और तो हम बैठते हैं कुछ खा लेते हैं उसके बाद मिलेंगे दोबारा बढ़िया सर्व कर रहे थे सो गाइस हियर वी आर टू ईट डिनर एंड हरप्रीत सर एंड पंकज सर एंड और फ्रेंड न्यू फ्रेंड अभिषेक and old friend ये ब्लॉगिंग का बड़ा चार करो मां सर वगैरह ब्लॉगिंग बड़ी करते हैं चैनल भी बना लिया हमने अच्छा सर पुट इन सर इज पुटिंग सर पुटिंग इन द सर पुटिंग भाई आपको अपने आपके हिसाब से कितनी डालनी है पंकज सर लार्ज ज्यादा नहीं थोड़ा होना चाहिए ना फन डालो कितनी डालनी है तभी मैंने दे दी बोतल ही अच्छा मैं तो वो वाली हूँ डालनी ऐसा नहीं बोलते वो वाली हूँ पुतिंग कितनी लेनी है जब तक तब तक लेनी है तो नहीं मेरा दीव माउंटेन दीव इसको की इतनी कम दी पी तो नहीं रहा कम इसको नहीं और ये दीव हम स्पेशल पठानकोट से लेके आया रीजन बताओ क्यों पठानकोट क्योंकि आज पठानकोट की घिसाई कुछ ज्यादा हो चुकी है तो हो जाएगा सर देखो भला आधी तो होगी ऐसे क्यों सर तो गाइस अभी हम डिनर कर लेते हैं डिनर करने हम बाहर आए हैं तो उसके बाद हम रेस्ट हाउस चलेंगे दोबारा से और उसके बाद एडिटिंग होगी तो आज का यहीं पे एंड करते हैं तो बाय गाइस सर यू वांट यहां पूछो इनको ये भी होना से समथिंग यशोमा इज अ वेरी नाइस पर्सन ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।
बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाते हैं ये। आज मेरे हिसाब से दो तीन ब्लॉग्स बनाए हैं जिनको रात को एडिटिंग करेंगे, बाकी आप कल या 12 बजे के बाद देख सकते हैं उनकी ब्लॉग्स को, उसमें मैं भी आपको दिखाई दूंगा और हमारे हरप्रीत जी भी दिखाई देंगे। आप तो दिखाई देंगे, गाड़ी में बैठ के ब्लॉग्स बना रहे थे आज। और अभी हम इस लोकेशन पे जहाँ पे अभी हम बैठ के डिनर कर रहे हैं, इस जगह का नाम है तीर्थन वैली, पीछे की तरफ है रिवर और यहाँ पे हम बैठे हैं। तीर्थन रिवर है, उसके साथ तीर्थन वैली है और यहाँ पे फैन देखिए चल रहा हुआ, मगर जरूरत नहीं है फैन की। और ये व्यू है, और पावरी ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। तो गाइस ये फन ऐसे ही चलता रहेगा, तो स्टे ट्यून। हमारे जो पंकज सर है ना बहुत ही अच्छे हैं, मजाकिया टाइप के इंसान है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम हमारी बात में थोड़ा ब्रेक लग गया था यहाँ पे, देखिए फैन चल रहा हुआ है मगर उसकी जरूरत नहीं है फैन चलाने की, मीडिया हवा आ रही है पीछे से। बाकी कल का हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो है थाची वैली घूमने का। मॉर्निंग में उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद 10 AM से हम निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर, जिसमें हमारे गणेश जी होंगे कल के ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग करेंगे। आज इन्होंने थोड़ी सी ब्लॉगिंग की है, बाकी शुभम जी की ब्लॉगिंग को आप देखते रहते हैं, पूरा दिन होती रहती है, स्नैपचैट में भी स्टोरीज चलती है। हरप्रीत जी है जो एक्टिव रहते हैं अपने उस पे स्नैपचैट पे, मैं आपको बताना चाहूँगा। वेरी एक्टिव पर्सन, मैं सुनना चाहूँगा। बाकी हमारे मित्र अभिषेक जी आज हमें मिले हैं, जो आज मिले हैं इनको छोड़ देंगे, जो हमें कल काची वैली का भ्रमण करवाएंगे, भ्रमण कराएंगे। यार दैट्स अ पॉइंट। बाकी एंड सी होड़ी गल्ला काची अभिषेक जी एंड मी पंकज एंड दिस गाय this guy and we are all bells. So guys, एक बात का और बताना चाहूंगा। हाँ क्यों नहीं, शुभम जी का आज का दिन बहुत ही गुस्से वाला रहा। मॉर्निंग से ही पता नहीं वो कैस का मुंह देख के आए थे कि पूरा दिन उनके मुंह से गुस्सा और गाली। मेरे को लगता है मैंने अपने मुंह देख लिया। खत्म तो हो गया सर। शाम को देखिए बिल्कुल कूल माहौल है शुभम जी का, ब्लॉगिंग बढ़िया से कर रहे हैं। तो मॉर्निंग की ओपनिंग थोड़ी खराब हुई थी इनकी, थोड़ा कम ओपनिंग सेरेमनी जो थी हमारी बहुत ही भयानक हुई, बहुत बुरी हुई। थोड़ी देर तो मेरे को ऐसा लग रहा है गुस्से लेके जा रहे मार दे रहे थे, अगर वो गाली देता ना फिर। मैं आपको पता है मैं बहुत ही गांधीवादी इंसान का एचआर या लोकल गांधीवादी। अरे लोकल वाले का भी एचआर का तो चलो बोला नहीं है अंकल, अगर कुछ बोल देता ना इसको मेरे को पता था फिर तो इन्हें छेड़ना नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, आपको गुमराह किया जा रहा है। आ जा रहे थे ना रास्ते में, तो एचआर 26 नंबर की थी वो गाड़ी स्कॉर्पियो, वो लेनी है। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस जेब्रा क्रॉसिंग जैसी तो प्लेटें आ गई हैं हमारी, बस इसमें डिनर आना बाकी है। और ये देखिए डिस्कशन, हियर सम गुड न्यूज, बारिश नहीं हुई तो गाड़ी जाएगी, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। ये तो जो मैंने भी इसको बोल दिया था गणेश को कि भाई चल देते हैं वापस, तब भी वो बोला कि नहीं नहीं अब आई
आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।